विधानसभा के नसरुल्लागंज से बड़ी खबर, जहां अस्पताल आंदोलन के नेता विमलेश आरवी ने पुलिस कर्मियों का वेतन ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विमलेश आरवी ने पुलिस कर्मियों का वेतन बी ग्रेड पर 2400 की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरहद पर देश की सुरक्षा आर्मी करती है और देश के अंदर देश की सुरक्षा पुलिस करती है। हमारे पुलिस के जवान हर विपरीत परिस्थितियों में रात दिन, सर्दी गर्मी और या कोरोना काल 15 से 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता, जिसके कारण पुलिस विभाग की सबसे मजबूत कड़ी जो कि आरक्षक है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है। पुलिस कांस्टेबल ना तो संगठन बना सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं। ऐसे में कई पुलिसकर्मी अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और कई आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आरवी ने कहा कि हमारे समीपवर्ती प्रदेश राजस्थान में भी 2400 ग्रेड पे से पुलिस कर्मियों को वेतन दिया जा रहा है, हालांकि मेरे हिसाब से सभी जगहों पर 2800 ग्रेड पे पर वेतन देना चाहिए, क्योंकि समाज में पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरी मांग को लेकर ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कटारे और उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। सीमा पर हमारी रक्षा देश की आर्मी करती है और सीमा के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर हमारी रक्षा पुलिस करती है, और आज पुलिस जवान की जो सैलरी है उसका जो वेतन है बहुत कम है। लगभग 20-25 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है। हम चाहते हैं, अपील करते हैं, और लंबे समय से पुलिस विभाग की जो कर्मचारी हैं उनकी मांग रही है कि वो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद में भी उनकी सैलरी बहुत कम है, एक नाम मात्र की सैलरी है। हमारा निवेदन है कि उनकी सैलरी को 1900 पे ग्रेड से बढ़ाकर 2800 पे ग्रेड कर दी जाए, जिससे उनका जो आर्थिक स्थिति है उसको उसमें सुधार लाया जा सके।